वेलकम बैक क्लास। अब बेटा आपके थर्ड एक्सटर्नल सम की ओर चलते हैं। आपका थर्ड एक्सटर्नल सम है 6d प्लस 7e प्लस 8f। ये एक ट्राइनोमियल है मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव 2ed। ये एक मोनोमियल है। तो जैसे आपने इसके प्रीवियस सम को सॉल्व किया था, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव साइन है तो हमारा मोनोमियल नेगेटिव हो जाएगा, और जब मोनोमियल नेगेटिव होता है तब शांति से काम किया जाएगा, करेक्ट। तो सबसे पहले हर एक ट्राइनोमियल का जो टर्म है उसके साथ हमारे नेगेटिव मोनोमियल को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्लियर। सो बी आफ्टर राइटिंग द क्वेश्चन लाइन, देयरफॉर आप लिखोगे 6d मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव 2ed पॉजिटिव 7e ब्रॉट डाउन। अब इसे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव 2ed और फिर पॉजिटिव 8f ब्रॉट डाउन, और इसे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव 2ed, करेक्ट। सो आप क्या देख सकते हो, 6d पॉजिटिव 7e पॉजिटिव 8f, ये है आपका ट्राइनोमियल, और आपने उस एक एक टर्म को मल्टीप्लाई किया है नेगेटिव 2ed नेगेटिव 2ed नेगेटिव 2ed के साथ। अब क्योंकि बेटा हमारा मोनोमियल नेगेटिव है तो आपको एक बात याद रखनी है कि हमें रूल बोलना होता है जब जब मोनोमियल नेगेटिव होता है मल्टीप्लाई करते हैं, यस। तो आप बेटा शुरू करते हैं। आप क्या देख सकते हो, 6 एक पॉजिटिव नंबर है, 2 एक नेगेटिव नंबर है। तो आप रूल बोलोगे when one number is positive and another number is negative put minus sign and then multiply, 6 multiplied by 2 will become 12, correct। और अब alphabetical order में पहले d आता है, yes ना, d के बाद e आता है। तो गिनो d कितनी बार है, d है एक बार और d है दूसरी बार, total कितने हो गए, d 2 times, that is d square, और बचा खाली e, तो e brought down, yes। अब आगे बढ़ते हैं, positive 7e और फिर negative 2ed, आपके पास एक positive number है, एक negative number है, तो आप rule क्या बोलोगे, when one number is positive and another number is negative, put minus sign, तो आप minus sign लगाओगे and then multiply, so 7 multiply by 2 will become 14, ठीक है। अब यहां पर है e, यहां पर है ed, तो alphabetical order में पहले d आता है, तो गिनो d कितनी बार है बेटा, only one time, तो आप लिखोगे single variable d, और e कितनी बार है, e है one time यहां पर और वापस से one time यहां पर, तो हम लोग लिख देंगे e square, करेक्ट। और फिर आगे की तरफ चलते हैं, दैट इज पॉजिटिव 8f मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव 2ed, सो व्हेन वन नंबर इज पॉजिटिव अनदर नंबर इज नेगेटिव पुट माइनस साइन एंड देन मल्टीप्लाई, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बिकम 16, 8 टू इज 16, और फिर बेटा एक बार d है, एक बार e है, एक बार f है, तो इसको प्रॉपरली अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट करेंगे तो d e f होगा। तो हम लिखते हैं इधर सिंगल वेरिएबल d, सिंगल वेरिएबल e, सिंगल वेरिएबल f, करेक्ट। तो इसी के साथ बेटा आपका थर्ड एक्सटर्नल सम बेस्ड ऑन मोनोमियर मल्टीप्लाई बाय ट्राइनोमियल भी कंप्लीट हो गया, फाइन।